ये नजारा दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां एक जहरीले चैनल की पत्रकार को जनता ने अपने बीच से भगा दिया। तो क्या इस चैनल में कुछ सुधार हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि वर्तमान स्थिति में ये चैनल पहले से ज्यादा नफरत के बीज बो रहा है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर गोदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष अर्णव गोस्वामी ने पत्रकारिता का इतना निम्नतम मापदंड सेट कर दिया है कि हर गोदी पत्रकार अब नफरत फैला करके अपने आकाओं की नजर में खुद को बनाए रखना चाहता है। ऐसे ही एक नफरतवादी पत्रकार हैं सुरेश चव्हाण के, सुदर्शन न्यूज नाम से चैनल चलाते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति को पत्रकार और उसके संस्थान को चैनल कहना पत्रकारिता की बदनामी ही होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। क्योंकि ये नफरतवादी इंसान अब दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने के लिए एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा था, यूपीएससी जिहाद। इस व्यक्ति को जहां भी मुस्लिम नजर आ जाते हैं वहीं ये जिहाद शब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको जहां कड़ी डांट पिलाई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूर्ण, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के एम जोसेफ ने अपना फैसला सुनाते हुए न सिर्फ इसके प्रोग्राम पर रोक लगाई बल्कि इसके आकाओं पर भी टिप्पणियां की हैं। जस्टिस चंद्रचूर्ण ने कहा, शो में एंकर की शिकायत ये है कि खास समुदाय के लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, ये कितना घातक है। इस तरह के घातक आरोप यूपीएससी परीक्षा पर भी लगे हैं, बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसे कैसे मंजूरी दी जा सकती है? क्या स्वतंत्र समाज में इस तरह के शो को मंजूरी दी जानी चाहिए? इसके शो पर जो रोक लगी है वो केंद्र के मुंह पर भी तमाचा है, इसलिए क्योंकि 27 अगस्त को आईपीएस एसोसिएशन और इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने इसके प्रोग्राम पर आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक याचिका डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर सुनवाई करते हुए 28 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी। लेकिन 10 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार के अधीन एक मंत्रालय ने इसके प्रोग्राम को प्रसारित करने की इजाज़त दे दी थी। मतलब कि केंद्र सरकार नफरत फैलाने में इस व्यक्ति का साथ दे रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीर टिप्पणियां की हैं वो केंद्र सरकार को भी सुन लेना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने एक महत्वपूर्ण बात की है मीडिया की ऑनरशिप को लेकर के, यानी कि जस्टिस जोसेफ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मीडिया में किसका पैसा लगा है ये जनता को पता होना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, हमें विजुअल मीडिया के ऑनरशिप को देखना चाहिए, कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता को पता होना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल की भी जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि सरकार किस कंपनी में ज़्यादा विज्ञापन दे रही है और किस कंपनी में कम विज्ञापन। रिपब्लिक भारत यानी कि अर्णव गोस्वामी जिस चैनल का खुद को मालिक बताता है, उस चैनल पर भी लगातार आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर का उसमें पैसा लगा हुआ है। जी मीडिया के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, बताया ये जाता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही राज्यसभा में पहुंचे थे। इसी तरीके से रिलायंस का नेटवर्क है नेटवर्क 18, उनके तमाम सारे चैनलों में स्वाभाविक तौर पर जब रिलायंस का पैसा है तो रिलायंस इस समय किसके द्वारा लाभान्वित हो रहा है वो उसके खिलाफ सवाल नहीं उठा सकता है। रजत शर्मा हो या कोई अन्य चैनल,
निश्चित तौर पर यह जांच होनी चाहिए कि उसमें पैसा आखिर लगा किसका है। इसलिए क्योंकि दबी जुबान लोग ये स्वीकार करते हैं कि सुदर्शन न्यूज में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ समर्थित नेताओं का पैसा लगा है, बल्कि सुदर्शन न्यूज का नाम सुदर्शन के नाम पर रखने का एक मकसद ये था कि उस समय सरसंघ चालक हुआ करते थे आरएसएस के केएस सुदर्शन, वो ताकतवर पोजीशन में थे और सुरेश चव्हाण के नागपुर के होने के कारण संघ मुख्यालय से लगातार संपर्क में रहते थे। शायद यही वजह है कि 2017 में इस शख्स पर आरोप ये लगा था कि दो समुदायों के बीच इसने नफरत फैलाने का काम किया है, धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, चैनल के जरिए अफवाह फैलाई है। इसी वजह से इसको लखनऊ में गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी होने के कुछ समय बाद ये छूट गया। छूटते ही इसने अपने फेसबुक पर रिवॉल्वर लहराते हुए लिखा, बिना जेल गए रिहा हो गया, अब वर्नौल दूंगा। मामला ये था कि संभल के मामले में इसी प्रोग्राम में इस शख्स ने एक टाइटल लगाया था, क्या संभल कश्मीर बनाया जा रहा है। इसके अलावा संभल के जामा मस्जिद के इमाम को इसने सीधे सीधे चैलेंज दिया था कि सुरेश का नारा है संभल चलो। उस समय इस शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, मुझे भी मेरे वह सारे मंदिर वापस चाहिए जो हजारों मस्जिदों के नीचे दबाए गए हैं, और उन्हें मैं वापस लेकर रहूँगा, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और परम कर्तव्य है। सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति लगातार नफरत के बीज बोता है, इस शख्स को हर जगह जिहाद ही जिहाद नजर आता है, फिर क्या वजह है कि इस शख्स पर 2017 में FIR भी दर्ज की जाती है, गिरफ्तारी भी होती है, चंद समय बाद छूट जाता है, लगातार अपने फेसबुक पर नफरत फैलाता है, हथियारों के साथ देखा जाता है, फिर भी ये शख्स को लगातार इस बात का लाइसेंस मिला रहता है कि ये शख्स दो समुदायों के बीच नफरत फैलाते हुए देश को तोड़ने की कोशिश करता रहे। जस्टिस जोसेफ की बात आगे और सुनी जानी चाहिए। वो टीवी एंकरों के डिबेट के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि टीवी डिबेट में एंकर की भूमिका भी हमें देखनी चाहिए। डिबेट में एंकर बोलने के लिए कितना टाइम लेता है, वो बोलने वाले के ऑडियो को म्यूट कर देते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। ये तमाम सारे गोदी मीडिया के उन एंकर्स पर सवाल है जो उनकी विचारधारा के मुफीद लोग नहीं होंगे, उनकी आवाज़ को म्यूट करके उनको अनाप शनाप बका जाता है। इसके अलावा जस्टिस चंद्रसूर्ण सीधे सीधे सुदर्शन न्यूज पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, सुदर्शन टीवी देश को नुकसान पहुंचा रहा है और ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारत विविधता से मिलकर बना है, सुदर्शन न्यूज को अपनी स्वतंत्रता का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा तमाम सारे नफरतवादी पत्रकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनको मीडिया की वजह से विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो झूठ बोलते हैं। मीडिया को किसी भी तरह का विशेष अधिकार नहीं है, एक सामान्य नागरिक को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वही एक मीडिया पर्सन को भी है। इस बात का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रपूर्ण कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम आपको ये कहने की मंजूरी नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विस में घुसपैठ कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पत्रकार होने के नाते आपके पास ये कहने की खुली छूट है। सोचने की बात है कि जो शख्स अपने प्रोमो में लिखता है नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा, उसको केंद्र का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कैसे इजाजत दे सकता है। क्यों नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने के लिए और देश को बांटने के लिए ये रासुका किसके लिए रखे हुए हैं साहब? केवल उन लोगों के लिए जो सरकार से असहमति रखते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, बाकी इन नफरतवादियों को आपने खुली छूट दे रखी है कि वो चैनल बनाएं, चैनल में आपकी मानसिकता के लोगों का पैसा लगवाएं और पूरे देश में नफरत परोसें। विपक्षी नेताओं को, चाहे वो किसी संवैधानिक पद पर भी बैठे हों, उन नेताओं को अगड़म सगड़म बख सकें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए जो बातें कहीं वो कई मामलों में अहम है, खास तौर से मीडिया लिटरेसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई चैनल या संस्थान देख रहे हो, आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इसमें बैठा हुआ एंकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, इस चैनल में पैसा कहां से आ रहा है, कहां से इसको ताकत मिल रही है,
ये व्यक्ति आखिर कुछ खास पार्टियों के विरोध में, कुछ खास लोगों के विरोध में एजेंडा क्यों चला रहा है। मतलब कि आपको उस शख्स का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, कहीं वो किसी से पैसा ले करके किसी खास एजेंडे के तहत कुछ खास समुदायों और देश को बांटने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस मामले में ये फैसला केंद्र सरकार के लिए भी नजीर है, ताकि केंद्र सरकार ऐसे नफरतवादियों को आगे ना बढ़ाएं और नफरत फैलाने का लाइसेंस ना बांटें। चलते चलते एक बात और बता देना चाहता हूं कि भले ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के नफरतवादियों के ऊपर हाथ रखकर उनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराते हों, लेकिन जनता धीरे धीरे सब कुछ समझ रही है। जंतर मंतर पर इस नफरतवादी चैनल यानी कि सुदर्शन न्यूज की पत्रकार के साथ क्या हुआ था, पूरा वाकया देखिए। अरे गोदी मीडिया जाओ ना यार, यहाँ से आप शुरू कीजिए। एनपीआर को ना ना ना, सीए को ना ना ना, एनआरसी को ना ना ना, ना 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 ना। कहाँ गई रोजगार की बातें, कहाँ गई अधिकार की बातें, कहाँ गई रोजगार की बातें, कहाँ गई अधिकार की बातें। सरकारी न्यूज चैनल है भाई, जाने दो। ये है सुदर्शन चैनल। इनका कहना है कि शाहीन बाग में जो हमारे माँ बहने बैठी हुई है वो 500 रुपया ले हुए बिके हुए हैं, ये कह रहे हैं ये। अच्छा, पूरे पूरे हिंदुस्तान में हमारे माँ बहने क्या 500 रुपया दे रहा है ये लोग, ये हमारे खिलाफ। मैं बता रहा हूँ, इनका कहना है, इनका कहना है कि पूरे देश में हमारे माँ बहने बैठी हुई हैं, 500 रुपया लेके बैठी है, क्या ये हमारे लिए 2000 रुपया? हमारा कहना नहीं है, हमारा कहना नहीं है। वीडियोस आ रही है सर, वीडियोस आ रही है भाई। चलो हमारा भाग रहा है अभी, बोल रहे हैं पूरे देश में जो 80% जो हमारी माँ बहने सड़कों पर बैठी हुई है, इनका कहना है कि 500 रुपया, ये सुदर्शन चैनल है, कहना है कि 500 रुपया लेके तब बैठती है, 500 रुपया पूरे देश में 80% लोग। अब देखो, जब इनको टोका गया कि आप संविधान के खिलाफ ये चला रहे हो, ये संविधान के दायरे में यहाँ प्रोटेस्ट चल रही है, आप ये क्या फैला रहे हो? देखो अभी सुदर्शन चैनल जो ये सावरकर और इसका गौरसे का विचारधारा लेके चलता है, अभी भाग रहा है यहाँ से हमारे माँ बहनों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।